सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर टू अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था सेकुलरिज्म का, एंड हम लोगों ने एग्जैक्ट डेफिनेशन जो देखा था वो देखा था टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। सेकुलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। और एक कंट्री को सेकुलर कंट्री तभी बोला जा सकता है जब उस कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन ना हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलीजन को स्टेट से अलग करना क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट रीज़न, ताकि कोई पर्टिकुलर रिलीजन डिक्टेट ना करे बाकी रिलीजन पे। सेकंड, अगर हम लोग स्टेट को रिलीजन से सेपरेट नहीं करेंगे तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट करेंगे। और थर्ड रीज़न था कि अगर सपोज़ किसी को भी एक पर्टिकुलर रिलीजन में चेंज लाना है, मतलब रिफॉर्म लाना है, तो अगर स्टेट इन्वॉल्व होगा तो वो रिफॉर्म आसानी से नहीं आ पाएगा। सो ये तीन रीज़न थे। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। सो पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है, एंड जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक एक बार देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, कि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट ना करे। सेकेंड है दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने छोटे में पढ़ा है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन, मैं एग्जांपल लेता हूँ हिंदू का, है ना, हिंदू के ही रिलीजन में ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये चार कास्ट आते हैं। इनमें खुद में डिस्क्रिमिनेशन होता है। पहले ऐसा हिस्ट्री कहती है कि ब्राह्मण्स लोग शूद्र को डोमिनेट करते थे। सो कॉन्स्टिट्यूशन ये ख्याल भी रखता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन का जो मेंबर है वो दूसरे मेंबर के ऊपर डोमिनेट ना करे। थर्ड है दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये भी देखा गया है कि कोई रिलीजन को स्टेट इन्फोर्स ना करे, और दूसरा है कि लोगों के रिलीजियस फ्रीडम को छीने ना। अगर कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को अपनाना चाहता है तो वो अपना सकता है। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है राइट टू रिलीजन वो ये कहता है। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। फर्स्ट, इट यूजेज अ स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाई अ रिलीजियस ग्रुप एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसिस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। सो सबसे अच्छा तरीका क्या है जो इंडिया ने फॉलो किया है, वो जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो इंडियन स्टेट है, स्टेट को नॉर्मली हम लोग गवर्नमेंट से रिप्रेजेंट किए, इंडियन स्टेट अपने आप को रिलीजन से दूर रखता है ना। जो ये लाइन देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट्स फर्स्ट इट यूजेज अ स्ट्रेटजी, ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा, स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इट्सेल्फ फ्रॉम रिलीजन। इंडियन स्टेट अपने आप को रिलीजन से दूर रखता है। इंडिया में गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल, ऑफिसेस को एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने की इजाज़त नहीं है। सो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। एग्जांपल लेते हैं। इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। सर देयर इज अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। I am afraid that isn't possible, Rekha. This is a government school. We cannot give importance to any one religion. Private schools may do that. Government schools don't celebrate any religious festival in the school premises. Most religious festivals are public holidays so that we can celebrate this at home. So, देखिए, private school में celebrate होता होगा, but government school में आप religious festival school में celebrate नहीं कर सकते। उनकी छुट्टी दी जाती है। I never thought of it this way. I guess we can always celebrate it outside school. Anyway,
वी आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी. सो कोई भी गवर्नमेंट स्पेसेस में हमें इजाज़त नहीं है एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने की. In the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government's policy of treating all religions equally. Government schools cannot promote any one religion either in their morning prayers or through religious celebration. This rule does not apply to private schools. है ना, प्राइवेट स्कूल में ये सब हो सकता है, पर गवर्नमेंट स्कूल में जैसा मैंने आपको बताया कोई रिलीजियस फेस्टिवल आप स्कूल प्रीमिसेस में नहीं सेलिब्रेट कर सकते. सेकंड वे पढ़ते हैं. द सेकंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजियंस एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शन फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज. सो दूसरा है कि इंडियन सेकुलरिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है. सबसे पहले कि किसी में इंटरफेयर नहीं करना है. हाँ, इंडियन स्टेट ऐसा करता है कि कुछ एक्सेप्शंस बना देता है रिलीजियस कम्युनिटी के लिए. जैसे पढ़ते हैं, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड हु हैव रिसेंटली वॉर्ड स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर. ही आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ एंड दैट इट रिक्वायर्स दैट यू वियर वन. व्हाई आरंट यू वियरिंग अ हेलमेट? डू यू वॉन्ट टू बी फाइन? डोंट वरी, आई विल नॉट बी फाइन. Hey Paramjeet, why won't you be fine? For six, wearing a pagri is a very important part of our religion. The government cannot force me to wear a helmet. Okay. So in the above storyboard, Paramjeet, the Sikh youth, does not have to wear a helmet. This is because the Indian state recognizes that wearing a pagri is central to a Sikh's religious practice, and in order not to interfere with this, allow an exception in the law. So government Sikh ke religious जो लॉज हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, उनमें एंटर नहीं कर रही है, इंटरफियर नहीं कर रही है, तो इनके लिए एक्सेप्शन बना दिए गए. द थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड आइदर इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन. ये याद रखिएगा, स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन. यू रेड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी. दिस इज अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन डोमिनेट अदर मेंबर्स विद इन इट. In order to prevent their religious-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution banned untouchability. In this instance, the state is intervening in religion in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes, that violate the fundamental rights of lower caste who are citizens of this country. Similarly, to ensure that the law relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religious-based personal laws of communities. The intervention of the state can also be in form of support. The Indian Constitution grants the right of religious community to set up their own school and colleges. It also gives them financial aid on a non-provincial basis. So, Indian Constitution किसी को fund भी दे सकती है. अब देखते हैं in what way Indian Constitution are different from other democratic countries. Some of the above objectives are similar to those that they have been included in the constitution of secular democratic country in other part of the world. For example, the first amendment of the US constitution prohibits the legislature from making law respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion. What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as the official religion, nor can they give preference to one religion. In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affair of one another. There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. This is because, unlike the strict separation between religion and state in America secularism, in India secularism, the state can intervene in religious affairs. You have read about how the Indian Constitution intervened in Hindu religious practices in order to abolish untouchability. In Indian secularism, though the state is not strictly separated from religion, it does not maintain a principal distance vice versa religion. This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the Constitution. These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles. The Indian state is secular and works in various ways of the prevent religious domination. The Indian Constitution guarantees fundamental rights that are based on this secular principle. However, this is not to say that there is
no violation of these rights in Indian society. Indeed, it is precisely because such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. The knowledge that such right exists make us sensitive to their violation and enable us to take action within the violation take place. So, हम पढ़ते हैं कि इंडियन सेक्युलरिज्म दूसरे कंट्री के सेक्युलरिज्म से कैसे अलग है. तो इसमें एग्जाम्पल लिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ यूएस का. यूएस में स्टेट या गवर्नमेंट जिसे कहते हैं वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता. अब मैं आपको बताता हूँ इंडिया का. इंडिया में जो स्टेट है वो भी अपने आप को रिलीजन से दूर रखता है ना. बट अगर कुछ चीज जो ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट कर रही है जैसे अनटचेबिलिटी, तो स्टेट क्या करता है, इंटरवीन कर सकता है ना. कभी कभी स्टेट को जैसे फंड प्रोवाइड करने हैं, हम लोगों ने ये पैराग्राफ में क्या देखा, कभी कभी स्टेट क्या करती है, सपोज एक रिलीजन अपने आप को माइनॉरिटी ट्रीट कर रही है, समझ रही है, तो स्टेट को फंड प्रोवाइड करना है एक पर्टिकुलर रिलीजन को, तो भी स्टेट इंटरवीन कर सकता है. तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं. यूएस में स्टेट और रिलीजन के बीच में सेपरेशन में बोल्ड लाइन है, मतलब किसी तरीके से एंटर नहीं कर सकते. बट इंडिया में एक डॉटेड लाइन है. डॉटेड लाइन मतलब स्टेट रिलीजन से इंटरवीन नहीं करना चाहता, बट अगर ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन हुआ जैसे अनटचेबिलिटी ये सब हुआ सोसाइटी में, तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है. और अगर सपोज स्टेट को फंड प्रोवाइड करना है किसी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी माइनॉरिटी रिलीजन को, तो भी स्टेट इंटरवीन कर सकता है. सो एक सिंपल लाइन में ये तीन पैराग्राफ में आपको समझा देता हूँ. इन यूएस स्टेट कैन नॉट इंटरवीन इन रिलीजन रिलीजियस मैटर, बट इन इंडिया स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर इफ एनी ह्यूमन राइट्स आर वॉयलेटेड और स्टेट हैज टू प्रोवाइड फंड टू अ पर्टिकुलर माइनॉरिटी रिलीजन. समझ आया? सो आज हम लोगों ने जो पढ़ा उसका क्विक रिकैप करते हैं. इंडियन सेक्युलरिज्म पढ़ा सबसे पहले कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकती, कम्युनिटी के मेंबर्स दूसरे कम्युनिटी के मेंबर्स के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकते, एक गवर्नमेंट किसी को फोर्स नहीं कर सकती आपको ये रिलीजन फॉलो करना है. दूसरे कैसे ये मेंटेन करती है, क्या क्या स्ट्रैटेजी होती है, तो हम लोगों ने तीन स्ट्रैटेजी पढ़ी है ना. कि सबसे पहले स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, इसमें मतलब कोई भी गवर्नमेंट प्रीमाइसेस पे आपका कोई रिलीजियस फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट होगा, तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने आप को डिस्टेंस कर रही है किससे, रिलीजन से. सेकेंड वे इज लाइक नॉन इंटरफेरेंस. नॉन इंटरफेरेंस मतलब कैसे, सपोज अगर कोई रिलीजियस ग्रुप है तो उनके रिलीजियस मैटर पे इंटरफेयर नहीं कर रही है. जैसे सिख का एग्जांपल दिया, सिख में पब्लिक जो पगड़ी है वो पहनना ज़रूरी है, तो उस पर लॉ नहीं बना रही, एक्सेप्शन कह के छोड़ दे रही है. थर्ड वे इज लाइक स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन है ना. स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन मतलब इंटरवीन कैसे करिए, कि अगर कुछ ह्यूमन राइट वॉलेट होता है, सपोज ये अनटचेबिलिटी का एग्जांपल, अगर ह्यूमन राइट वॉलेट होता है तो स्टेट इंटरफेयर करेगी, इंटरवीन करेगी, या तो कभी किसी को फंड देना है, सपोज जो सपोज इस्लाम में देखिए मदरसा होता है ना, वो उनका खुद का स्कूल होता है जहाँ वो डॉक्ट्राइन और लॉ अपने सिखाते हैं है ना. सो अगर उनको फंड देना है तो स्टेट इंटरवीन कर सकती है. तो स्टेट इंटरवीन कब करती है, फर्स्ट इज लाइक ह्यूमन राइट वायोलेशन एंड सेकेंड इज लाइक टू ग्रांट फंड. होपफुली ये चैप्टर समझ आया होगा एंड जो भी डाउट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.